हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जा रही हूँ ग्वालियर। ये अचानक से प्लान हो गया है। अभी मेरे हस्बैंड छुट्टी में आए हैं, तो इसलिए एक महीने के बाद जाने वाले थे, और एक महीने के बाद ही मैं आप सोच रही थी कि आप सबको बताऊंगी कि मैं अपने पलटन मतलब अपने पति के साथ पलटन जा रही हूँ। सो गाइस, पलटन तो जा रही हूँ, पर सिविल क्वार्टर है हमारा, क्योंकि आर्मी कैंट के अंदर नहीं है, हमें क्वार्टर नहीं मिला है, सिविल क्वार्टर मिला है। सो हम लोग सिविल क्वार्टर में जाएंगे, पर उससे पहले हम लोग वहाँ पे जाने से पहले कि अभी रूम देखना बाकी है, रूम देखा नहीं है, मेरे हस्बैंड ने देखे नहीं है, तो अभी हम लोग वहीं पे एक दो दिन के लिए जा रहे हैं। सो वहाँ पे जाने के बाद हम लोग अपने लिए रूम देखेंगे। अभी थोड़ा बहुत पैकिंग हो चुकी है, शाम को 12 बजे का ट्रेन है, तो अभी हम लोग तुनिशा में मेरे हस्बैंड और मेरी ननंद जा रहे हैं। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा वहाँ की बातें वहीं बताऊँगी गाइस। और अभी मेरा पैकिंग हो चुका है लगभग, सो ये है और मेरा हस्बैंड, तो ये है मेरा हस्बैंड का। तो गाइस, पीछे बहुत सारा कपड़ा है जो मिलाना है, और उससे पहले मैं थोड़ा सा सफ़र के लिए खाना बनाती हूँ। और सुबह हम लोग पहुँचेंगे, तो खाना वहाँ पे ना खाए होटल में, क्योंकि होटल में रुकने वाले हैं हम लोग। मैं सोच रही हूँ कि खाना यहाँ से जो बना के जाएंगे तो वही खाना खाए हम लोग। तो चलते हैं, थोड़ा सा तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप सबको बाद में आराम से बताऊँगी गाइस। तो चलो। तो गाइस, ये है काला चना। सो मैंने उसको कुकर में मतलब चढ़ा के मतलब बॉईल कर लिया था। और ये है पास्ता। सो ये भी बनाऊंगी, यहाँ पे पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है मैंने, और इसको भी बना के लेके जाने वाली हूँ मैं। तो गाइज, अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे ISBT में, और ISBT से जाएगी ये सहारनपुर गाड़ी, तो यहीं से हम लोग जा रहे हैं, और वहाँ पे हमारा ट्रेन है सहारनपुर से। तो अभी हमारे साथ है अंजू नानी, मेरी ननंद है। ननंद इधर तो देखो, इधर तो देखो, इधर तो तुनिशा है, और आप सब जानते भी होंगे जब मैं जम्मू पलटन में थी तब मेरे ननंद भी गए थे लास्ट टाइम पे, और आज फर्स्ट टाइम मेरे साथ जा रहे हैं ग्वालियर। ग्वालियर में अभी हम लोग रूम भी देखेंगे साथ में, तो इसलिए भी हम लोग साथ में जा रहे हैं सब लोग मिलके। और सहारनपुर की गाड़ी अभी ढूंढने के लिए मेरे हस्बैंड और देवर गए हैं देखने के लिए, और हमें यहाँ पे ISBT तक छोड़ने के लिए मेरे देवर आए हैं। तो गाइस, बस में चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद सहारनपुर जब पहुँचेंगे तो उसके बाद मैं आप सबसे बात करूँगी। तो अभी के लिए बाय बाय। तो गाइज, अभी हम लोग पहुँचे हैं स्टेशन, रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे नीचे हमने दरी लेके आए थे, दरी बिछा के यहाँ पे इसके ऊपर बैठे हैं, और तो वेट करते हैं। 12:30 बजे का टिकट है हमारा, तो 12:30 बजे तक वेट करने के बाद तो गाइस, ये है मेरा पास्ता जो खाने के लिए लेके आई थी मैं, और हम लोग अभी खा रहे हैं। तनिशा, एक बोतल जल्दी से पानी दे इसमें। अबे 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 नाचना। ये सबसे ज्यादा खुश हो रखी है अभी तुनिशा। अच्छा, उतर नहीं, इधर आता है, इधर इधर आता है ट्रेन, उधर साइड नहीं है हमारा ट्रेन, इधर साइड है। तो गाइस, 12 बज चुका है, अब हमारा ट्रेन आने वाला है। सो
हेलो डार्लिंग, ओ तो गाइस अभी हम लोग ट्रेन में चढ़ चुके हैं। हे गाइस, अभी मैं यहाँ पे एडिट कर रही थी और मुझे अभी पता चला कि मेरा ये हेडफोन ईयरफोन ख़राब है। तो सो गाइस, अभी मैं आप लोग को ये बोल रही थी कि अब ग्वालियर पहुँचने वाला है और मॉर्निंग हो चुका है एंड हम लोग यहाँ पे सामने हमारा सीट था और मेरी बेटी यहाँ पे सो रही है, मेरी ननद उधर साइड। तो गाइस, गर्मी बहुत है यहाँ पे, फ्रेश हो चुकी हूँ और ग्वालियर पहुँचने वाले हैं। गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं होटल में और बड़ी मुश्किल से मिला है क्योंकि हम लोग यहाँ पे जानते किसी को भी नहीं और हमने खाना भी खा लिया है, वो वहाँ पे रखा हुआ है खाना खा के, क्योंकि जो मैं बना के लेके आई थी वो आप सबको दिखाया तो नहीं, पर मेरे फ़ोन पे चार्ज नहीं था इसलिए मैंने दिखाया नहीं यहाँ पर पहुँचने के बाद। और चना की सब्ज़ी भी बनाई थी, चने की सब्ज़ी, सो वो ख़राब हो गई थी। और चिकन, चावल, रोटी एंड आलू की सब्ज़ी, थोड़ा सा चटपटा सा बनाया था मैंने आलू की सब्ज़ी, वो था, तो वो हमने खाना खा लिया है अभी। और मेरे हस्बैंड, मेरे ननंद गए हैं वहाँ पे, क्या बोलते हैं, दुकान गए हैं क्योंकि थोड़ा बहुत मतलब चिप्स और कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने के लिए। सो अभी हम लोग यहाँ पे रेस्ट करते हैं और शाम को जाने वाले हैं हम अपने लिए रूम देखने के लिए, क्योंकि जैसे कि आप सबको बताया था मेरे हस्बैंड को सिविल क्वार्टर मिला है और सिविल क्वार्टर मेरे हस्बैंड ने देखा नहीं है, तो अभी हम लोग यहीं से देख के जाएंगे और तुनिशा का स्कूल भी। सो अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं एंड थोड़ी देर के लिए चार्ज में लगा दिया था मैंने, तो थोड़ा सा चार्ज हुआ है और दोबारा मैं चार्ज में लगाती हूँ और मैं थोड़ा सा आराम भी करती हूँ एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे ग्वालियर, जहाँ पे हम लोग रूम लेंगे उस जगह। तो सो आप लोग देखते रहना वीडियो। तो गाइज, रखती हूँ मैं अभी यहाँ पे। तो गाइज, हम लोग सो के भी उठे अब आराम से और थोड़ा सा लेट हो गया है, फिर भी अभी हम लोग जा रहे हैं रूम देखने के लिए, ढूंढना पड़ेगा हमें और कहाँ और कैसा रूम मिलेगा ये हमें पता नहीं है। बस हम निकलने वाले हैं अभी, तो तैयार हो चुके हैं, नहा धा के मजे से सो गए थे और चाय भी पी लिया हमने, तो चलते हैं अभी, तो रेडी हो चुके हैं। तो गाइस, हमने ई रिक्शा पकड़ लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं अपने मंजिल पर। रहती है जो पोस्टिंग आए हुए इस जगह पे और हमें दिखाने के लिए लेके आए हैं, एनसीसी आर्मी वाला है जो ये पूरा है इनका, तो चलते अब। यहाँ का रास्ता बड़ा मजे का है, बड़ा बड़ा सा। चलो अब रूम देखने के लिए। रूम देखने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाएंगे। कानू, कैसा है? बहुत ही बढ़िया है। कैसा है? बहुत बढ़िया है। तो गाइस, अभी हम लोग बाहर से चिकन लेके आए थे और वहाँ पे भी चिकन है और ये चिकन बिरयानी है यहाँ का एंड ये है रुमाली रोटी। सो अपने रूम में लेके खा रहे हैं और ये है एग करी। तो बस गाइस, हम लोग आज का रात का खाना है ये हमारा, घर पहुँच चुके हैं और बहुत अच्छा लगा आज का दिन, बहुत अच्छा था
क्योंकि जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है ये ग्वालियर। सो क्योंकि मैंने सोचा था बहुत गांव टाइप का होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। चौड़े चौड़े रास्ते थे और हर जगह खाने की चीज़, हर चीज़ फैसिलिटी सब कुछ यहाँ पे था, अवेलेबल था। सो बहुत मज़ा आया। कल जा रहे हैं तुनिशा का स्कूल एडमिशन करने के लिए, तो देखते हैं कौन सा स्कूल करते हैं। हमने सोचा है कि आर्मी स्कूल ही करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आसान रहेगा। कल के दिन हम देहरादून भी जाएंगे, तो देहरादून में ट्रांसफ़र करने में थोड़ा आसान रहता है इसलिए। तो गाइस अभी हम लोग खाना खाते हैं और बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं, तो आज रूम पक्का हो गया है, रूम पक्का कर लिया हम सब ने। पर दिखाऊंगी नहीं, दिखाया नहीं मैंने आज, तो वो आप सबके लिए सरप्राइज होगा। क्योंकि उन्होंने वो बना रहे थे और उसमें टाइल्स वगैरह सब कुछ रिपेयर करना था, तो उनको लगाना था नया चीज़, तो इसलिए मैंने भी वो दिखाया नहीं आप सबको। तो जब मैं 10 दिन के बाद यहाँ पे आऊँगी, अगले महीने मई के महीने में आएंगे हम लोग, तो उस टाइम मैं जब आऊँगी तो दिखाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि 10 दिन तो लगेगा रिपेयर करने में। सो ये लोग खाना खा रहे हैं। तुनिशा बहुत ज़्यादा हल्ला करती है तुनिशा। तो गाइज अभी हम लोग खाना खाते हैं, कल फिर स्कूल जाना है, तो फिर उस टाइम मिलूँगी आप सबसे। तो चलते हैं, पहले खाना खाते हैं और आप सबको गुड नाइट अभी के लिए।